Good afternoon. गुड आफ्टरनून। तुम इतने खुश क्यों हो? बारह बजे लंच कर लिया। Thank you.
Good afternoon. एक मिनट यार, मैं आती हूँ उसको थोड़ा ठीक करा के। हाँ बेटा, एक मिनट ट्राई कर रहे हैं। ये फिट टू पेज क्यों नहीं हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। विजिबिलिटी है क्या अभी? रुक जाओ, अभी तो ब्लैंक ही पेज दिख रहा होगा, देखना। ठीक है, कल तुम लोगों को कंसेप्ट पढ़ाया था क्लोज टेस्ट का, किसी को उस कंसेप्ट में कोई दिक्कत? चार पांच चीजें बताई थी। पहला बताया था रीड द पैसेज,
आज अचानक से बच्चे ज्यादा हो गए ना, कल बच्चे कम थे। दूसरा बताया था कि आइडेंटिफाई द थीम, आइडेंटिफाई द थीम एंड टोन। तीसरा क्या बोला था मैंने कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, ग्रामर के रूल्स से एलिमिनेट करना, ठीक है। और लास्ट में मैंने ये बोल दिया था कि भाई जब ग्रामर के रूल से एलिमिनेट कर ही रहे हो तो एट द एंड ये बोल दिया था कि लेस कॉमन वर्ड को चूज करना हमेशा। है ना, ये चार पांच कंसेप्ट दिए थे। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम लोग आज जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे धमाकेदार तरीके से। सबसे पहले ये रहा पैसेज तुम लोगों के आंखों के सामने। इस पैसेज को पढ़ना है और मुझे इस पैसेज का जस्ट जरा समझाना है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। जो भी आपको फील होता है अबाउट दिस पैसेज जस्ट लेट मी नो। डन नहीं करना है तुम्हें, आंसर फिल नहीं करना है उमंग, तुम्हें बस मुझे इस पैसेज की पैसेज को समझाना है कि इस पैसेज में बेसिकली बात किसकी करी जा रही है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, दैट इज व्हाट यू नीड टू टेल मी। अभी तुम्हें ऑप्शंस फिल भी नहीं करना है, मतलब उसी के लिए कि हाँ एक बार के लिए पढ़ लिया, मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ लिया। क्या है इस पैसेज में, एक्सप्लेन कर दो। मैम डैश डैश कुछ ज्यादा ही नहीं है, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं लगा, पर जितना मुझे लगा उसी हिसाब से कि इंडियन मीडिया के बारे में बात हो रही है कि कुछ भी न्यूज कई बार ऐसे होते हैं कि न्यूज शुड बी सेंसर्ड और समथिंग, कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि न्यूज गलत ही दी हो रिपोर्टर्स को और वो उन्होंने बोल दी, लेकिन मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कुछ भी डिसइंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू न्यूज चैनल्स एंड ऑल आई थिंक। हाँ, अब अकॉर्डिंग टू यू तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम जो तुम्हारा मीडिया है उसके नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं? यस मैम, यस है ना। अच्छा मनीष, तुम जरा मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देना कि किस बारे में बात करी जा रही है। गुड आफ्टरनून मैम, इंडियन मीडिया के बारे में बताया गया है और यहाँ पे लिखा है कि कुछ भी जो न्यूज होती है उसे सनसनी के तरीके से पेश किया जाता है और पूरा नहीं पढ़ा है अभी। अच्छा अनिमेश, जरा ज्ञान बांटना एक बार अपना। मैम आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही, आ रही। तो मैम बेसिकली मतलब पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि
कुछ एक तरीके का कंपैरिजन भी है 5-6 साल पहले जो न्यूज़पेपर जैसा मतलब क्वालिटी था उनका और अभी, और मतलब एक नेगेटिव टोन सेट कर रहा है कि मतलब कहाँ कहाँ शॉर्टकमिंग्स हैं न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़पेपर्स की, और मतलब उसके क्या रीजंस हो सकते हैं ऐसा मतलब बताया जा रहा है। तो बेसिकली उमंग, मनीष और अनिमेश जो लोग माइक्रोफोन से जॉइंड हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर मुझे ये फील हो रहा है कि यहाँ पर बेसिकली इंडियन मीडिया की बुराई करी जा रही है। तुम तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू यही है ना कि इंडियन मीडिया की बुराई करी जा रही है, बोलो हाँ कि ना? मैम एक्चुअली पहले पढ़ने से ये लग रहा है कि बुराई की जा रही है, लेकिन लास्ट लाइन में उन्होंने बोला है कि रिपोर्टर्स को ब्लेम कर सकते हैं क्या इस चीज के लिए, इफ द न्यूज इज रॉन्ग, दे आर प्रोवाइडिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मतलब उनको ही लाइक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो रिपोर्टिंग को ब्लेम किया जा सकता है क्या कि वो तो उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। एग्जैक्टली इसी पॉइंट को समझना है। अगर तुम इसको नेगेटिव लेकर चलोगे, अगर तुम यहाँ पर इंडियन मीडिया का कंप्लेनिंग टोन लेके चलोगे ना, तो तुम सारे के सारे गलत आंसर्स फिल करोगे। यहाँ पर इंडियन मीडिया के बारे में कंप्लेन नहीं करा जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन मीडिया एक ऐसी चीज है जिसपे इंसान, मतलब कुछ भी अगर मुझे जानना है कि आज रांची में क्या हुआ या आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ, तो मैं कैसे जानूंगी? थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज और थ्रू न्यूज़पेपर। अब मैंने उसमें एक बार जो चीज देख लिया उसको शायद मैं कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं करूंगी। अगर आज मुझे चेल्सी ने बताया कि मैम पता है कल ना मध्य प्रदेश पे एक बॉम्ब फेंका गया, ठीक है, मैंने उससे एक इंफॉर्मेशन ले लिया, अब मैं उसको अगर मैं इसी पॉइंट को क्रॉस चेक करना चाहती हूँ तो तुम कहां से क्रॉस चेक करोगे? थ्रू मीडिया। तो मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये बताने की कोशिश करा जा रहा है यहाँ पर कि इंडियन मीडिया में भी जो बहुत क्रेडिबल है, जिसपे हम लोग बहुत विश्वास करते हैं, उसमें भी अब डिसइंफॉर्मेशन मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन देने लग गए हैं, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन हैपेंस टू बी आर ओन लीडर्स, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन उनको खुद मिल रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन उनको खुद अपने खुद के लीडर्स दे रहे हैं और वही इंफॉर्मेशन वो पुट कर रहा है। तो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है हम सबके दिमाग में कि क्या हम लोग उनके नेचर ऑफ रिपोर्टिंग पे फिर सवाल उठाए, या फिर हम रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, जो बोला जा रहा है उस पर विश्वास किया जा रहा है, लेकिन अगर स्टेटमेंट उनको दिया जा रहा है वो खुद ही गलत है, तो क्या रिपोर्टर्स उनके बारे में क्या करें, ठीक है? और क्या रिपोर्टिंग को हमें सप्रेशन ऑफ स्पीच में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इंडियन मीडिया आर फ्री टू स्पीक एनीथिंग, है ना, इंडियन मीडिया आर फ्री टू स्पीक एनीथिंग, कुछ भी जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन आता है वो एकदम फ्री है बोलने के लिए, उनको कोई सप्रेस नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा उसका प्लस पॉइंट है। अगर उनको गवर्नमेंट के बारे में कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिला है और आप चाहोगे कि उसको दबा दो, तो इंडियन मीडिया के पास पूरा फ्रीडम है कि वो उसको प्रेजेंट कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टर्स को पास डिसइंफॉर्मेशन आ रहा है तो क्या उनके पास भी सप्रेशन ऑफ स्पीच जाना चाहिए, ठीक है? तो ये सवाल है कुछ जो इंडियन मीडिया पे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि गलत चीजें उनके पास पहुंच रही है, तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? तो बेसिकली दिस इज अ क्रिटिकल टोन, है ना, आप इसके टोन को कंप्लेनिंग समझ रहे हो, बट ये क्रिटिकल टोन है, क्योंकि इंडियन मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को प्रेजेंट किए जा रहे हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई। तो अब उसके बिहाफ पर आंसर्स फिल करना शुरू कर दो, और क्या, बन गया क्वेश्चन। कोई वर्ड ना पता हो मीनिंग में नहीं तो पूछ लेना, बता देंगे। नहीं, आंसर मत बताओ,
मैमोथ का मतलब होता है वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज हिंदी में बोलते हैं विशाल. आंसर मत दो, मत सबको एक से पंद्रह लिख लो अपने नोटबुक में, अपना ऑप्शन वहां पे फिल कर लो, फिर मैं एंड में ऑप्शंस दूंगी, मतलब मैं खुद ही आंसर बताऊंगी, तो वहां पे थोड़ा सा चेक कर लेना कि कितने सही हो रहे हैं, कितना तुम्हें वर्कआउट करने की जरूरत है. ठीक है. मोनोलिथ का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टोन. बग बियर का मतलब होता है ऑब्सेशन ऑफ फियर. I have shown you next question, Anvesh. No need to say teach. आगे बढ़ो. मैम क्रेडुलस क्या होता है? नेक्स्ट मैम, बहुत देर से तुम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं बोल रहे, थोड़ा जल्दी बोलना चाहिए ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर. नेक्स्ट तुम्हें तब से फर्स्ट ही दिख रहा है भगवान. रिफ्रेश करके दोबारा ज्वाइन करो निवेदिता. बोलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. मैम कंपेल और रिफ्रेश मैं मेन बता रही चीज है क्या, फिर से बोलो. कंपेल और रिफ्रेन. कंपेल का मतलब होता है फोर्सफुली.
मतलब रिस्ट्रिक्ट करना कुछ. ठीक है, रिफ्रेन का मतलब होता है टू स्टॉप समवन टू डू समथिंग, नॉट फोर्सफुली दो. तो बोल दिया और रोक दिया, बस खत्म. एंड अब्स्टेन इज सेम एज रिफ्रेन. डन? यस मैम. सी क्या बीश बीश सी का. अरे अभी नेक्स्ट में सी का मीनिंग पूछ रहा है वो शायद, है ना? ये पूछ रहे हो ना बेटा. लीश का मतलब होता है, कभी डॉग पाली हो घर में? नहीं डॉग नहीं, अभी तो नहीं है मैम. कोई बात नहीं, अड़ोसी पड़ोसी का किसी का होगा तो उसके गले में ऐसा बांध देते हैं और उसका जो होल्ड होता है वो आपके हाथ में होता है ना, तो वो जो कंट्रोल किसी का जब आप अपने हाथ में रखते हैं ना तो उसको लीश बोलते हैं. बेसिकली लीश इज पट्टा जो आप किसी जो किसी को कंट्रोल करके रखता है. एग्जैक्टली हिंदू. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. I believe that he will catch 15 out of 15. So we need to party here. Question number 7 हो गया. मैम यहाँ पे मैम हाँ यहाँ पे मैम हर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मतलब मार्किंग होती है, मतलब जैसे ही पूरा पैसेज है तो मतलब जो पूरा सही नहीं नहीं, नहीं, नहीं अगर मान लो कि जैसे ये 15 है ना, अगर तुमने 1, 8, 12 गलत कर रखी है और बाकी सब गलत कर दिए तो 3 out of 15 मिल जाएगा. अच्छा ऐसा होता है, मतलब स्टेप वाला है. ठीक है जी. नेगेटिव नहीं होता इसमें? होता है, बाकी सब मैंने मान लिया कि उसने वो कर दिया ना, छोड़ दिया, नेगेटिव मार्किंग हुई है. सी का मीनिंग क्या होगा? पैल्पेबल का. पैल्पेबल पैल्पेबल इज लाइक समथिंग व्हिच यू कैन टच, समथिंग दैट कैन बी टच्ड और फेल्ट. मैम टोटल मार्क्स कितने? एक्सक्यूज मी, क्लोज टेस्ट के टोटल मार्क्स कितने? अच्छा रितेश, क्लोज टेस्ट के टोटल मार्क्स पे डिपेंड करता है. जैसे ये 15 ब्लैंक्स वाला क्लोज टेस्ट है तो 15 नंबर, अगर 10 ब्लैंक वाला होगा तो 10 नंबर, 5 वाला होगा तो 5 नंबर. सो इट वैरीज एग्जामिनेशन टू एग्जामिनेशन. किसी ने बोला नहीं तो मैंने खुद ही कर दिया. नेक्स्ट मैम ये एकदम से बहुत सारा जूम हो गया है, बहुत ज्यादा पता नहीं शायद मेरे में हो. हाँ मेरे को डायरेक्शन दिख रहा बस पूरे स्लाइड में. नहीं मुझे तो नॉर्मल दिख रहे, तुम रिफ्रेश कर लो अनिमेश. चेंज मत करना मैम, मैं वापस आ रहा हूँ. ठीक है. Annex का मतलब होता है टू एड समथिंग और एक्स्ट्रा, या फिर आप एक्स्ट्रा के सेंस में भी बोल सकते हो. मैम एक बार 6 दिखा दो प्लीज. मैम मेरे ना थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चंस मिस हो गए थे तो लास्ट में दिखा देंगे आप बात? हाँ हाँ एकदम दिखा देंगे, बस बात इतनी है कि 12:30 हो चुका है और मेरे को आज ये खत्म करना है, 15 क्वेश्चन है तो ये ध्यान में रखना कि एंड में फिर मेरा एक्सप्लेनेशन भी मैटर करेगा, है ना? तो थोड़ा सा मैं आपको स्पीड अप कर लूँ कि हम लोग 12:35 तक तुम लोग ये कर लो तो एंड के 20-25 मिनट्स आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन. ओके फिर ये भी तो है तुम लोगों का जो मैं लेकर आई हूँ. वाओ कट ऑफ रेडी.
कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ लिस्ट अभी नहीं क्लास के बाद नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट हां अभी इसके मेरे से तैयार हो गए मेरा थोड़ा गलती आए होंगे नहीं नहीं बेटा कुछ भी जूम नहीं कह रही थी सब कुछ एज इट इज है हो सकता है आपके इनसे कुछ नेटवर्क इशू हो तो इस वजह से आपको दिख रहा हो मैंने कुछ भी जूम नहीं किया मैं क्यों जूम करूंगी अननेसेसरीली आप ना रिफ्रेश करके दोबारा से आ जाओ तो हो जाएगा शायद नॉर्मल हो जाएगा है ना हाँ कर लो हो गया मैम ये जितने भी ब्लैंक्स दे रखे हैं वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है ना और हमें उसी के हिसाब से वर्ड्स मतलब डालने हैं लाइक अगर हाँ एकदम अगर ये क्वेश्चन नंबर 9 में ये पांच ऑप्शन दिया हुआ है ना तो ये जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लैंक में फिट आ सकता है ना ऐसा नहीं कि कहीं भी फिट आ जाएगा नहीं मैम ये क्लॉज टेस्ट मैंने पहले नहीं किया तो मैं पहली बार कर रही हूँ कोई दिक्कत नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है समझ में तुम्हें आ जाएगा बाकी तुम चिंता मत करो है ना बस कोशिश करो ओके मैम ये हो गया 9 नंबर आगे बढ़ो नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं एक मिनट मेरा पिछला भी नहीं हुआ हो गया यस यस मैम कॉन्फिडेंस नहीं है आवाज में मतलब बस कर लिया हाँ बहुत बहुत ऐसे सब कुछ ही ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ही हो सकता है नहीं बेटा एकदम सही मीनिंग नहीं है कैसी बात कर रहे हो कैपेसिटी कैलिबर हाँ कैपेसिटी कैलिबर वाला तो ये है नहीं वो तो उसके नीचे है ऊपर है नाइन्थ में था मैम उसमें ना कैपेसिटी है ना कैलिबर है आंसर चल 50-50 कर दिया आगे बढ़ो यस मैम नेक्स्ट क्योटिक मींस इंडो क्योटिक का मतलब पूछ रही है तो उसको बता दूं एक बार बेटा क्योटिक का मतलब एक मिनट बता रही हूँ क्योटिक का मतलब होता है ना जैसे कि बहुत ज्यादा अफरा तफरी मचना बहुत लोग एकदम भागा दौड़ी अफरा तफरी बहुत बोल रहे हैं कंफ्यूजन सॉर्ट ऑफ दैट इज व्हाट इज दिस क्योटिक है ना क्योस से बना है ये वर्ड कॉनंड्रम का मतलब होता है तुम्हारा कंफ्यूजिंग पजलिंग बैफलिंग शीट आई डोंट नो मेरे में है कि और किसी को भी शीट चेंज में लगा क्या बोल रहे हो दीक्षा शीट क्या हो गया शीट को कुछ अजीब सा दिख रहा है क्या लैग आ रहा मैम
अच्छा लैग आ रहा है, ओके लैग आ रहा है क्या? इंग्लिश लैग आ रहा है क्या? मैनेज कर लो बच्चे, पढ़ाना तो है ही, देखो मुझे कुछ भी हो रहा हो। थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट होता है ना, तो एकदम जूम हो जाता है, तो फिर वो रिकनेक्ट करना पड़ता है, ऐसा रहता है। और मुझे तो ना बिल्कुल ही समझ में नहीं आता ये इंग्लिश, या तो पूरा इंग्लिश बोल लो या तो पूरा हिंदी बोल लो। मैम बोगस और ये ऑप्शन ई का मीनिंग? बोगस का मतलब होता है फेक, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था, और काउंटरफीट का मतलब होता है टू सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट बोनाफाइड का भूल गया मैं, एक्सक्यूज मी मैम, बोनाफाइड का? बोनाफाइड इज ऑथेंटिक। एंड द लास्ट वन, आई गेस दिस वन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, कितना टाइम लग रहा है ना। एंड द लास्ट वन, बच्चे बेचारे आज बड़ा परेशान हो चुके हैं आने जाने में। इनक्रिप्ट का मतलब होता है कृतिका समथिंग विच इज रिटन इन अ कोडेड लैंग्वेज टू डिकोड समथिंग, है ना, जैसे कोड लैंग्वेज में कोई चीज लिख कर नहीं देते हैं, इसको इनक्रिप्टेड बोलते हैं। डन, मेरा ना एक बहुत छोटा सा सवाल है, क्या लगता है कितना स्कोर आएगा? 5-6 आएगा बस, इतना ही कॉन्फिडेंस है? हाँ मतलब ऐसा है ना मैम कि मतलब आइदर और करके लिखा है कि अगर मतलब अगले वाले से रिलेट करके फिर पहला वाला देखना पड़ेगा, तो कभी कभी ऐसा होता है ना बाद वाला सेंटेंस पहले का मीनिंग देता है थोड़ा बहुत। किसी ने ये नहीं बोला कि 10-12, सब ने ऐसे बोला 4-5 4-5। हाँ मनीषा ने बोला है 10, वाओ शुक्र है किसी ने तो बोला। ये देखो श्रुतिका का ये ना कुछ बात हुई, अबव 10 आना चाहिए। निविदता कौन कौन सा क्वेश्चन देखना है बेटा तुम्हें, जल्दी जल्दी बोलो। 3, 4 and 5 जल्दी से, 3 next ma'am four and ma'am Five. अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी आंसर और तुम लोग अपना ऑनेस्ट स्कोर बताना, ठीक है, कोई चीटिंग मत करना। हो गया, ओके चल। क्वेश्चन नंबर 1, द इंडियन मीडिया हैज नेवर बीन अ डैश। देखो इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत सारा, बर्डन का मतलब होता है बोझ, मैमोथ का मतलब होता है विशाल, बगबियर का होता है ऑब्सेशन ऑफ फियर, एंड मोनोलिथ का होता है स्टैंडिंग स्टोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है, जिस मतलब जो हम लोगों ने पूरा पैसेज पढ़ा, जो हम लोगों ने थीम समझा पैराग्राफ का, उसके हिसाब से तो मुझे ये पता चला है कि दिस इंफॉर्मेशन इंडियन मीडिया में कैसे घुस रहा है, क्योंकि भाई लीडर्स गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब कि वो कभी भी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई, डिपेंडेंट है लोगों पे, है ना। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इंडियन मीडिया हैज नेवर बीन अ स्टैंडिंग स्टोन। ठीक है, सो बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर हियर।
For every dash news outlet, there has been a sensationalist tabloid. So for every credible news outlet, credible का मतलब क्या होता है? Credible का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पे भरोसा किया जा सके. ठीक है? तो for every credible news outlet, there has been a dash sensationalist tabloid. Sensationalist tabloid का मतलब होता है छोटे-छोटे newspaper जो सारे news outlet के बाहर में बिकते हैं और जो अंदर में news बोला जाता है ना, उसको compare करके उसकी comparison में वो अपना आर्टिकल को छापते हैं. ठीक है? तो उस रेस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ पे जो एक्यूरेट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग. कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कंपेरेबल. ठीक है? एम्युलेटेड का मतलब होता है टू इमिटेट. तो और कोई वर्ड यहाँ पर फिट नहीं आ रहा है. कॉरेस्पॉन्डिंग इज द एप्रोप्रिएट वर्ड. तो देयर हैज बीन अ कॉरेस्पॉन्डिंग सेंसेशनलिस्ट टैब्लॉइड एज अ डैश. तो वो सेंसेशनलिस्ट टैब्लॉइड क्या कर रहा है? कंपैरिजन करके उनकी उनके रिपोर्टिंग को क्या कर रहा है? काउंटर कर रहा है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? काउंटर पॉइंट. ठीक है? एनिग्मा का मतलब होता है मिस्ट्री. कॉनंड्रम आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट इज पजलिंग, बाफलिंग, कंफ्यूजिंग, है ना. काउंटर स्ट्रोक इज लाइक फिजिकली काउंटर करना, बट डेफिनेटली दे कैन नॉट काउंटर ईच अदर फिजिकली. सो काउंटर स्ट्रोक के साथ हम जाएंगे नहीं. अनिमिश कुछ कह रहे हो आप? इसका हम क्या है स्पोर्ट का सी. हाँ जी, काउंटर पॉइंट. ओके. बट द सेंसेशनलिस्ट, बट जो वो जो टैब्लॉइड है जो नहीं होगा, मतलब लग एनिग्मा लग रहा उसका. सुनो, देयर हैज बीन अ कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब एक कंपेरेबल सेंसेशनलिस्ट टैब्लॉइड है जो हर क्रेडिबल, देखो हर क्रेडिबल न्यूज आउटलेट के बाहर, क्रेडिबल न्यूज आउटलेट के बाहर एक कंपेरेबल सेंसेशनलिस्ट टैब्लॉइड है. सेंसेशनलिस्ट टैब्लॉइड का तुमने मतलब नहीं समझा. सेंसेशनलिस्ट टैब्लॉइड का मतलब होता है जो छोटे न्यूज़पेपर होता है. हाँ, जो छोटे न्यूज़पेपर, हाँ जो छोटे न्यूज़पेपर होते हैं, जो अंदर जो भी न्यूज चल रहा है उस न्यूज को कंपेयर करके वहां पर वो अपना काउंटर पॉइंट रखते हैं. ठीक है? वो सेम न्यूज नहीं छापते हैं, वो वहां पे जो चल रहा है ना उसके अगेंस्ट में या उसके कंपैरिजन में जो उनको पता चलता है वो उस चीज को काउंटर करते हैं. ठीक है? ये सेंसेशनलिस्ट टैब्लॉइड का मेन फंक्शन है, इस वजह से यहाँ पर काउंटर पॉइंट एक्यूरेट है. ठीक है? बट द सेंसेशनलिस्ट वर केप्ट अंडर कंट्रोल. फिर सेंसेशनलिस्ट को क्या करा गया? उसको कंट्रोल में रखा गया. देयर वॉज सम फॉर्म ऑफ अ सोशल लीश. ठीक है? सोशली उसको कंट्रोल में रखे रहने के लिए उसको कंट्रोल में रखा गया. और कंट्रोल में कैसे रखा गया? वहां पर सोशली क्या बोलते हैं, वो जो बोलते हैं ना, किसी के हाथ में उसके कंट्रोल को दे दिया गया, जिससे हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया. क्योंकि काउंटर करते करते देखो, न्यूज आउटलेट ने एक डिसइंफॉर्मेशन दिया, सेंसेशनलिस्ट टैब्लॉइड ने उसके अगेंस्ट कोई बात छाप दी, तो अब क्या हो गया कि भाई जिसका जिसका पर्पस था गलत इंफॉर्मेशन देने का, वो पर्पस तो सॉल्व नहीं हो पाया ना. तो इस वजह से सेंसेशनलिस्ट टैब्लॉइड को कंट्रोल में रखकर उसको पूरी तरीके से दबा दिया गया. ठीक है? तो उस रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो सी है, हाँ जी, उस रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो सी है दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर. रिफ्रेन नहीं हो सकता, क्योंकि देखो रिफ्रेन क्या है, मैंने बोला कि चेल्सी तुम ये काम मत करो, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती ना किसी चीज के लिए. मैंने यहाँ पे इसीलिए बोला था फोर्सफुली, और यहाँ पे फोर्सफुली नहीं है, बट यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए उसके गले में पट्टा बांध दिया गया कि भाई तुम्हें इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, है ना. तो उस रेस्पेक्ट में यहाँ पे लीज जो है दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट वन विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज गिवन. ठीक है? There was an dash fireball. बेटा अगर ये तो ना भी समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पर an है और an के साथ vowel sounding word आता है, और एक ही vowel sounding word है, that is invisible, so that will be the answer. ठीक है? So there was an invisible firewall that dash these two universes. और उसने क्या किया? इन दोनों universes को अलग किया. ठीक है? So that separated these two universes. However, in the last 5 to 6 years, this firewall seems to have lost its power. उनको इतना कंट्रोल में रख लिया गया कि जो पिछले 5 से 6 साल में ये देखा गया कि वो जो फायरवॉल है जो दो यूनिवर्सल्स को, न्यूज आउटलेट को या टैबलॉइड को जो सेपरेट करके रख रहा है,
वो फायर वॉल जो है वो धीरे धीरे करके अपना पावर जो है वो लूज कर रहा है, वो अब इनको सेपरेट करके नहीं रख पा रहा है, वो फायर वॉल अपना पावर जो है उसको लूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर फुल स्टॉप है और ये डी कैपिटल है। सो डिस इंफॉर्मेशन इज, चूंकि वो फायर वॉल अलग अलग करके नहीं रख पा रहा है, ठीक है, चीजों को फायर वॉल अपना अपना मतलब वो कैलिबर को लूज कर रहा है, अपने पावर को लूज कर रहा है, तो डिस इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, क्रेडिबल सेक्शंस ऑफ द मीडिया में एंटर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास पांच ऑप्शन है, वेंटिंग, फ्लोइंग, सीपिंग, पेनिट्रेट, फॉलिंग। यहाँ पर इज है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, पेनिट्रेट ओमिट हो गया, वेंटिंग, फ्लोइंग, सीपिंग, फॉलिंग, ठीक है। अब फॉलिंग का मतलब होता है गिरना, फॉलिंग का मतलब क्या होता है, फॉलिंग का मतलब होता है गिरना, ठीक है। अब डिस इंफॉर्मेशन गिर रहा है क्रेडिबल सेक्शंस ऑफ द मीडिया में, डजंट मेक एनी सेंस, डजंट मेक एनी सेंस, ये गलत हो गया। वेंटिंग, वेंटिंग का मतलब क्या होता है, यार घर में वेंटिलेशन होता है जिससे धूप वूप आती है, हवा हवा आता है, वेंटिलेशन तो समझते हो ना, अब उसी को हम वेंटिंग कहते हैं। वेंटिंग यहाँ पर टर्मिनोलॉजी करेक्ट नहीं है विथ डिसइंफॉर्मेशन, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन पूरी तरीके से अंदर आ रहा है तो हम इसके साथ भी नहीं जाएंगे। अब उसके बाद वर्ड है फ्लोइंग, फ्लोइंग का मतलब होता है बहना। अब मान लो कि जितने आज तक न्यूज, जितना भी न्यूज इंडियन मीडिया जितना भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बहना मतलब पूरी तरीके से फॉल्स इंफॉर्मेशन उस पर घुस चुका है। अब अगर पूरी तरीके से फॉल्स इंफॉर्मेशन घुस चुका होता तो इंडियन मीडिया का अस्तित्व खत्म हो जाता, करेक्ट। तो आप इसको भी अप्रोप्रिएट आंसर में मार्क नहीं कर सकते। अब तुम्हारा बचता है सीपिंग, सीपिंग का मतलब होता है धीरे धीरे करके टपकना। अब डिस इंफॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे टपक रहा है क्रेडिबल सेक्शंस ऑफ द मीडिया में, ठीक है। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सीपिंग। सो डिस इंफॉर्मेशन इज सीपिंग इन टू क्रेडिबल सेक्शंस ऑफ द मीडिया बिकॉज द उनके सिस्टम में कुछ होल्स हैं जो बट वेंटिंग, वेंटिंग होल्स नहीं डिफाइन करता है ना, वेंटिंग इज डिफाइनिंग कि हर तरफ से अंदर आ रहा है आपको कहीं, मतलब किसी कहीं हर तरफ से अंदर आ रहा है, हर तरफ से अंदर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन का सोर्स भी बताया गया है कि कहाँ से आ रहा है, ये भी बता रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। और वो मतलब इधर उधर से आ रहे हैं, वो होल्स को मतलब वो होल्स आप तभी फिल करते जब आपको सोर्स ही नहीं पता होता, तो यहाँ पे वो सोर्स भी बता रहा है तो आप उसको होल्स थोड़ी ना बोलोगे, तो अच्छा सोर्स नहीं होता वो धीरे धीरे करके एंटर कर रहा है, हाँ वो अब धीरे धीरे करके इंटर कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपने जो लीडर है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद 12 में आ जाओ, ठीक है। दिस पोजेस अ डैश क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, डेफिनेटली दिस पोजेस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ रिपोर्टिंग। रोरिंग का मतलब होता है दहाड़ना बेटा, बट वो अभी उस स्टेज पर वो नहीं गया है ना, उस स्टेज पर अभी वो नहीं गया है तो हम यहाँ पर रोरिंग के साथ नहीं जाएंगे। बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, और chaotic भी नहीं होगा क्योंकि वहां पर अभी वो बोल रहे हैं ना कि कन्फ्यूजिंग, कन्फ्यूजन के सेंस में, या फिर आप बोलोगे कि अगर वहां पे जो क्योस क्रिएट हो रहा है उसके सेंस में यहाँ पे बात ही नहीं करी जा रही है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि रिपोर्टिंग के बारे में यहाँ पे एक मुश्किल सवाल खड़ा हो गया इन सब चीजों की वजह से, है ना, तो उस रेस्पेक्ट में आप फिर डिफिकल्ट के साथ जाओगे कि बहुत मुश्किल सवाल खड़ा हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, डैश रिपोर्टिंग मींस रिपोर्टिंग व्हाट वाज सेड, फेक रिपोर्टिंग हो नहीं सकता, ऑथेंटिक हम रिपोर्टिंग वर्ड के साथ यूज नहीं करते, श्रुतिका का गलत हो गया, ऑथेंटिक हम रिपोर्टिंग वर्ड के साथ यूज नहीं करते, ठीक है। सब्स्टिट्यूट यहाँ पर आ नहीं सकता। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ट्रूथफुल एंड फेथफुल। ट्रूथफुल का मतलब होता है सच्चाई, ठीक है, और फेथफुल का मतलब होता है विश्वास, मतलब फेथ इज विश्वास, ट्रूथ इज सच, ठीक है। तो तुम रिपोर्टिंग पे क्या कर रहे हो, तुम रिपोर्टिंग पे विश्वास कर रहे हो,
है ना, तुम रिपोर्टिंग पे विश्वास कर रहे हो, रिपोर्टिंग तुम्हें सच्चाई दिखा रहा है, लेकिन द पर्सन हु इज सीइंग दैट इज एक्चुअली बिलीविंग, है ना। तो यहाँ पर होगा फेथफुल रिपोर्टिंग, मींस रिपोर्टिंग व्हाट वाज सेड, जो बोला गया उस पे आप विश्वास कर रहे हो, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फेथफुल रिपोर्टिंग। ठीक है, ट्रूथफुल नहीं, वही मैं बता रही हूँ, आई एम कमिंग टू इट, सच्चाई। हाँ श्रुतिका, आई नो तुम लोग का जो कंफ्यूजन है यहाँ पर, ये जो रिपोर्टिंग है ना वो रिपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, ये व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उन पे विश्वास ही करते हो। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, फेथफुल रिपोर्टिंग में। क्यों नहीं होगा बोनाफाइड बेटा? रिपोर्टिंग जो होता है ना, रिपोर्टिंग में यहाँ पर देखो बोनाफाइड का मतलब होता है ऑथेंटिक। ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स हम लोग बोलते हैं, है ना, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स। बेटा रिपोर्टिंग को ना ऑलरेडी यहाँ पर फॉल्स और ट्रुथ के मैनर में डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है, तो फिर जब ऐसा हम उन्हें डिफरेंशिएशन कर देते हैं ना, तो बोनाफाइड एक्चुअली वहां पर फिर हम यूज नहीं कर सकते। बोनाफाइड सिर्फ उसी टर्म्स में होता है जिसकी ऑथेंटिसिटी आप क्लेम कर सकते हैं, रिपोर्टिंग की आप ऑथेंटिसिटी पे क्लेम नहीं कर सकते। बेटा रिपोर्टिंग जो वर्ड है ना, आप उसकी ऑथेंटिसिटी, आप उसकी जेन्युइनिटी पे क्लेम नहीं कर सकते। बोनाफाइड एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ वैसी चीज पे, जो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के साथ यूज किया जाता है ना जिसकी ऑथेंटिसिटी 100% होती है। बोनाफाइड हर जगह आप हर सिनारियो में नहीं लगा सकते, बोनाफाइड डजंट गिव्स दैट सेंस। तो मैम वही एक्सट्रीम केसेस में ही रहेगा ना, मतलब जब हाँ बोना कर रहा हमको वो एकदम, हाँ मतलब वहां पे जहाँ पे 100% यू आर, मतलब यू आर 100% श्योर कि दिस थिंग इज जेन्युइन ऑथेंटिक, सिर्फ वहीं पे बोना पाई जाता है। ओके मैम, ठीक है। 14, बट इफ स्टेटमेंट देमसेल्व्स आर रॉन्ग डू रिपोर्टर्स राइट अबाउट देम? ठीक है, डू रिपोर्टर्स राइट अबाउट देम और नॉट? वुड नॉट रिपोर्टिंग अमाउंट टू सेंसरशिप? वुड नॉट रिपोर्टिंग अमाउंट टू सेंसरशिप? कितने सही हुए? वाओ, 13 मैम। अब क्यों दुखी है? 4-5 से 13 हो गया। एनिग्मा और ये वाला जो था ना बोनाफाइड वाला, ये दोनों गलत हो गए। कोई बात नहीं, बहुत कॉमन मिस्टेक है। बाकी कहाँ है? कोई बात नहीं ऋषभ, कोई बात नहीं, होता है। प्रैक्टिस एक बार और कर लेना घर पे, सही हो जाएगा। उमंग कितने सही हुए? कृतिका अंडरस्टूड द पॉइंट? ओके, थोड़ा 7, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है। अरे पापा फर्स्ट टाइम है, काम डाउन, प्रैक्टिस मोर। अच्छा, आज तुम लोगों ने देखा सिंगल वर्ड फिलर्स, है ना, जहां पे आप सिंगल वर्ड को फिल कर रहे हो। अब अभी तो टाइम नहीं बचा है क्योंकि वी आर ओनली लेफ्ट विथ 5 मिनट्स, तो ये हम लोग कर नहीं पाएंगे, बट दिस वी विल डू इन टुमोरोज क्लास। ओके, जहां पर क्या होगा, जहां पर आपको ये देख रहे हो हर ऑप्शन में 2-2 वर्ड्स है और आपको ये 2 वर्ड्स को फिल करना है इन द सिंगल थिंग, ये मैंने कल आपको बता ही दिया था, तो इसको जरा सा फिल कर, इसको हम लोग कल करेंगे क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं है। कौन सा, ये कौन से ईयर का था? ये वाला पैसेज इंडियन मीडिया वाला? ये बेटा IBPS PO 2018 है शायद। मतलब क्वेश्चंस चेंज होते हैं कि वो लास्ट 10 इयर्स से थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज के हिसाब से रिपीट करते हैं? बेटा देखो SBI PO का पेपर हो गया है ना,
एसबीआई पीओ का पेपर देख लो, आईबीपीएस पीओ वैसा ही होगा। आईबीपीएस की आदत हो गई है एसबीआई को कॉपी करने की। अगर एसबीआई में मैच द कॉलम आया है तो आईबीपीएस में मैच द कॉलम आएगा। अगर एसबीआई में सेंटेंस स्टार्टर आया है तो आईबीपीएस में सेंटेंस स्टार्टर आएगा। मतलब बेसिकली इट इज कि जो एसबीआई पीओ देता है आईबीपीएस पीओ मोस्टली सेम पैटर्न को फॉलो करता है। एसबीआई पीओ का पेपर हो चुका है, मेमोरी बेस्ड पेपर्स आ चुके हैं, उसको प्रॉपरली स्टडी करो। आईबीपीएस पीओ का पैटर्न सेम ही होगा, तुम देख लेना। मैम ये पैसेजेस के हिसाब से वो पैसेजेस भी के ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही रहते हैं कि फिर डिफरेंस देते हैं? बेटा पैसेजेस जितने भी होते हैं ना वो सारे तुम्हारे बैंकिंग अवेयरनेस बेस्ड, इकोनॉमिक्स बेस्ड, फाइनेंशियल अवेयरनेस बेस्ड या फिर जनरल इश्यूज पे होते हैं, है ना। और जो आपका प्रीलिम्स लेवल का पैसेज होता है ना इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। जो मेंस लेवल का पैसेज होता है जो हम लोगों ने सैटरडे को किया था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेट करता है चीजों को, बट इतना भी नहीं कि तुम लोग परेशान हो जाओ। हाँ मतलब उसको ठंडे दिमाग से करना, अगर देखकर तुम लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हुआ तब तो गलत ही करोगे। कॉन्फिडेंस लूज ना करके थोड़ा हिम्मत रख के प्रॉपरली कर लिया तो फिर पार हो गए। ये फर्स्ट टाइम था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था इस पर। कोई बात नहीं, हो जाता है। इसके अलावा और किसने सबमिट किया है? जो नाम मैंने लिख दिया सामने, इसके अलावा और कोई बच्चा है जिन्होंने सबमिट किया है अपना करने का? सोनाली ने भी सबमिट किया है। अच्छा सोनाली, आई एम रियली सॉरी बट मुझे तुम्हारा पैसेज अभी तक नहीं मिला है। बाकी सबका पैसेज चेक हो चुका है, कर्णिका और रितेश का चेक नहीं हुआ। और तो कोई नहीं है जिन्होंने सबमिट किया हो और मुझे ना मिला हो? मुझे टेलीग्राम पे सेंड किया है बेटा, मुझे नहीं सेंड करना, प्लीज रोमा को सेंड कर दीजिए क्योंकि मैं मेरा टेलीग्राम यूज नहीं करती हूँ। तो आप प्लीज एक बार रोमा मैम को सेंड कर दीजिए ताकि वो मुझे फॉरवर्ड कर दे, ठीक है? इसी वजह से मुझे तुम्हारा नहीं मिला। हो गया दो से तीन मुझे एरर्स मिले, जैसे कि आई गेस वो हड़बड़ी में हुआ है, गुड गुड्स को गुड लिख दिया है ना, बट इट वाज लाइक टाइम वाज
पढ़ना तुम्हें खुद ही रियलाइज होगा, कहीं पर मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि मैं समझ गई थी कि तुम वहां पे गुड्स लिखना चाहती हो लेकिन वहां पे गुड लिखा हुआ था, तो मैं क्या करूं, मुझे तो नंबर काटना ही पड़ेगा ना। मनीषा ने बहुत अच्छा पैसेज लिखा है, बहुत अच्छा पैसेज लिखा है, लेकिन मनीषा बहुत लंबा लिखा है बेटा, 4 पेज का पैसेज है, मतलब 4 पेज का उसका वो है ना। तो बच्चे आपको जो भी लिखना है ना उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करना पड़ेगा, और जो आपने टाइप्स डिफाइन करने की बहुत सारी कोशिश करी है ना वो आप उसको आप ना बेसिकली देखो, जब आप ई कॉमर्स पे ऐसे लिख रहे हो इन 200 टू 250 वर्ड्स ना, तो वहां पे सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट पे बात करना है कि व्हाट इज ई कॉमर्स, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइप्स में डिफाइन करने का टाइम नहीं है, है ना। व्हाट इज ई कॉमर्स, हाउ इट इज फ्लरिशिंग, हाउ इट इज फ्लरिशिंग, व्हाई इट इज फ्लरिशिंग, क्योंकि ड्यू टू द हेक्टिक शेड्यूल और वर्किंग आवर्स ऑफ अ पर्सन, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, ठीक है। व्हाट आर उसका प्रोज क्या है, यू जस्ट नीड टू टेल द प्रोज एंड द कॉन्स, बस इतना ही लिखना था बच्चे, है ना। उसमें जो आपने टाइप्स डिफाइन किया ना उसकी वजह से आपका इतना लेंथी हो गया ना पैसेज की लेंथ की वजह से नंबर कट जाएंगे, बात समझ रहे हो, बस इसको ध्यान में रखना। तुमने लिखा बहुत अच्छा है, उसने बताया पहले इंट्रोडक्शन दिया है, फिर उसने टाइप्स दिया है, फिर उसने चारों टाइप्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, उसके बाद उसने एंड में उसका कंक्लूजन लिखा है, उसने पैटर्न बहुत अच्छा फॉलो किया है, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी, ठीक है। और दीपक है क्लास में, भाग गया, वरना मैं उसको बताती, इतनी गलतियां है कि मैं जान ले लूं उसकी, ठीक है। सत्यार्थ, तुम्हारे पैसेज को कम नंबर मिलने की खास वजह यह है क्योंकि उसमें कंटेंट मिसिंग है बेटा, है ना। आपने ना उसको सरकम लोक्यूशन किया है, गोल 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 बात करी है, उसमें थोड़ा सा आपको और फैक्ट्स और कंटेंट डालने की जरूरत है, ठीक है। निवेदिता, आपको कम नंबर मिलने की खास वजह यह है कि फैक्ट्स थोड़ा सा गलत है। अब बेटे वही तो बात है, इतने तो ध्यान में भी नहीं है, है ना निवेदिता। मतलब अगर तुम्हें कोई फैक्ट नहीं पता ना तो मत लिखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मत लिखो उसको, लेकिन जो लिख रहे हो दैट शुड बी ऑथेंटिक, जेन्युइन एंड चेक्ड, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अनिमेश ने सही लिखा है, उसने अपना क्या बोलते हैं, उसने फैक्ट भी जो लिखे हैं वो थोड़े एक्यूरेट से हैं, उसने जो क्या बोलते हैं कोट्स लिखे हैं दैट इज ऑल्सो लाइक क्वाइट गुड, तो इस वजह से मैंने उसको नंबर अच्छा दिया है। बट मुझे तुम्हारे पैसेज में मुझे बस ये थोड़ा रमेश कि तुम्हें ना उसको और एप्रोप्रिएट मैनर में अरेंजमेंट करने की जरूरत है, ठीक है, उसको प्रॉपर। हाँ बोलो, उसमें वही मतलब वर्ड्स जो था ना 200-250 थे, तो उस वजह से मतलब बहुत कंडेंस करना पड़ा उसको कि मतलब लिख तो बहुत कुछ सकते थे पर मतलब पता था लिख नहीं पर वर्ड। हाँ आई अंडरस्टूड दैट, बट खासियत यही है बेटा, खासियत यही है आर्टिकल का या आप बोल सकते हो पैसेज लिखने का कि कम वर्ड में ज्यादा खुद को एक्सप्रेस करना, वही इसलिए मतलब स्टार्टिंग भी मतलब कुछ वो टेडएक्स की कोट्स वगैरह से कर दी थी और फिर मतलब ऐसे ही करके जो कंक्लूजन था वो भी बहुत छोटा सा लिखा क्योंकि वो वर्ड लिमिट क्रॉस दूसरे पेज तक चला गया था, मेरे को मतलब नहीं है ज्यादा लिखने का। ओके, नाउ उमंग की बारी। उमंग बेटा तुम्हारे पैसेज में मैं एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इट्स ऑलरेडी 1:03 और तुम्हारे दूसरे क्लास का टाइम हो गया है, तो उमंग तुम्हारे पैसेज में मुझे, हाँ श्रुतिका बोलो बोलो, मैं भी हाँ, लेकिन टाइम नहीं है अब, जो बच्चे बच गए उसका कल है ना। मैं उमंग को बस शॉर्ट में ये बता देना चाहती हूँ कि बेटा आपका पैराग्राफ इतना कंसाइज था ना, इतना कंसाइज था कि उसमें ना चीजें मिसिंग सी लगी मुझे। आपने जैसे वहां पे ना एट द एंड आपने लिखा था कि वहां पे लोग शॉपिंग कर रहे हैं एट देयर ओन रिस्क, है ना, तो आपने कंक्लूजन में मैंने नहीं ये लिखा,
तो फिर ये किसका था, पूर्वी और उमंग का कंफ्यूजन हो चुका है। तो एक काम करो, पूर्वी और उमंग, उमंग तुम अपना पैराग्राफ मुझे मेल कर दो @anjali.plutus@gmail.com। ठीक है, @gmail.com। ठीक है, तो मैं उसको जरा दोबारा से देख लू, या हो सकता है वो कंफ्यूजन हो गया है, इधर उधर मिसमैच हो गया है। ठीक है, तो मैं उसको दोबारा से पढ़ के दोबारा से उसको करेक्ट कर दूंगी जो भी मुझे फील होता है। ओके, आज की क्लास का टाइम ओवर हो गया बेटा, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। मैम मेरा कब होगा? रितेश आप सबसे पहले मुझे पीडीएफ बना के भेज दो बेटा प्लीज, मैंने कल भी आपको क्लास में बोला था। अच्छा ठीक है मैम, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।